दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन, अगर इसके बारे में एक हम इसकी तस्वीर देखें, इसकी राजनीतिक तस्वीर, तो इसमें दिखाई देता है कि ये एक बिल्कुल नई राजनीतिक मोर्चेबंदी भी ये दिखा रहा है आंदोलन। इसमें धाराओं की और विचारों की एक अद्भुत मोर्चेबंदी है जो भारत के किसी भी विपक्षी गठबंधन में आज तक कम से कम नहीं देखी गई। यह आंदोलन राजनीति से अलग है, दलबंदी से अलग है, राजनीतिक पार्टियों से अलग है। सरकार के नुमाइंदे कई बार कहते हैं कि इसको विपक्ष जो है हवा दे रहा है, लेकिन सच यह है कि भारत में विपक्षी जो राष्ट्रीय विपक्षी जो पार्टियां हैं, जो कई बार गठबंधन बनाती हैं, कभी भी इस तरह का गठबंधन जो इस किसान आंदोलन में दिखाई दे रहा है, अलग अलग शक्तियों की, अलग अलग धाराओं के किसानों की, अलग अलग विचारों के किसान संगठनों की, ऐसी एकजुटता, ऐसी कर्मठता, ऐसी ईमानदारी, ऐसी समझदारी, ऐसी तरफदारी कभी भी किसी राजनीतिक दल के प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई देती थी। इसलिए जो लोग इसको किसी राजनीतिक दल से प्रेरित बता रहे हैं, दरअसल वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये राजनीतिक संस्कृति, वैचारिकता की एक नई संस्कृति का आगाज है यह आंदोलन। तो दोस्तों, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, इस आंदोलन के बारे में सबसे पहले कहा गया कि ये गांधीवादी है, सत्याग्रही है, अहिंसक है, और मैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल मुझे भी सही लगती है कि इसमें सत्याग्रह है, इसमें अहिंसा है, इसमें लोकतांत्रिकता है। तो एक तरह ये आंदोलन अगर कहा जाए तो गांधी जी की जो सबसे खूबसूरत जो शिक्षाएं थी आंदोलन को लेकर, जो उनके सबसे बेहतरीन जो विरासत अगर कही जा सकती है, सत्याग्रह, अहिंसक और लोकतांत्रिकता का आंदोलन, वो इस आंदोलन की धारा में शामिल है, इसकी वैचारिकी में शामिल है। लेकिन अगर आप देखें एक दूसरी धारा, भगत सिंह की धारा, भगत सिंह की धारा और उनकी वैचारिकी भी इस आंदोलन में शामिल है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भगत सिंह और गांधी की विचारधारा के बीच में मोर्चेबंदी नहीं थी, लेकिन यहां तो मोर्चेबंदी भी दिखाई देती है और वो अद्भुत है, बिना किसी राजनीतिक दल के, बिना किसी चुनावी जो एसोसिएशन होते हैं, चुनावी जो गठबंधन होते हैं, उसके बगैर सिर्फ किसानों के इशू को लेकर। लेकिन किसानों के इशू को लेकर इसमें भगत सिंह की राजनीति की प्रतिबद्धता है, उसकी तरह की एक समानता के लिए लड़ने की जिजीविषा है। तो समानता और प्रतिबद्धता, एक बेहतर समाज बनाने का सपना भी इसमें दिखाई देता है। इसका सेवा भाव आप देखिए, कल्पना कर सकते हैं किस तरह की, ऐसा लगता है कि जितने गुरु सिख गुरु हमारे हैं, और सिख गुरु केवल सिख धर्म के मानने वाले नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारे ऐसे गुरुओं, ऐसे संतों की वाणियां संग्रहित हैं जो सभी एक ही धर्म के लोग नहीं थे। उसमें इस्लामिक थॉट्स के भी लोग थे जो मुस्लिम थे, उसमें हिंदू, अपने को हिंदू तो खैर उस समय नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन जो आज हिंदू धर्म है उससे भी जुड़े बहुत सारे संत थे। ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते थे, बल्कि सूफियाना अंदाज के लोग थे, उनकी भी वाणी है, और गुरु नानक से लेकर के और तमाम सिख जो महान जो गुरु हैं, सबकी आप वाणी उसमें देखेंगे, उसमें कबीर साहब को भी देखेंगे। और तीसरी धारा जो इस आंदोलन की है, वो आप अगर देखें तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी दिखाई देते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर की बात अभी तक बहुत की जाती रही है हमारे सत्ताधारियों द्वारा। बार बार वो कहते हैं कि वो अंबेडकर को मानते हैं, फूलमाला चढ़ाते हैं, हर उनकी परिनिर्वाण दिवस पर, उनकी जयंती पर बड़े बड़े भवन बनाते हैं, मूर्तियां उनकी बनाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की खेती किसानी के बारे में जो कुछ कहा था, और गांधी जी और भगत सिंह ने जो भी किया था अपने जीवन में,
जिस तरह की पैरोकारी की थी समाज के लिए, समाज का जो उनका सपना था, ये जो सरकार है इसके तीनों कानून उसके उलट है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली आज डॉक्टर अंबेडकर की खेती किसानी के बारे में जो धारणा है उसको आपके सामने संक्षेप में रखते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा और कैसे ये तीनों कृषि कानून डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को उलटते हैं, उसकी एक तरह से उसको मटियामेट करते हैं। तो अंबेडकर की वैचारिकी से जुड़ने का जो एक, कई बार ये लोग कहते हैं कि हम भी अंबेडकर को मानते हैं, दरअसल अंबेडकर को आप खारिज करते हैं। और अंबेडकर का क्या कहना था खेती किसानी के बारे में, उनके वॉल्यूम 2 जो हिंदी में उनका खंड 2 है उनकी सारी सिलेक्टेड रचनाओं का, मैं उसके पेज संख्या 166-167 और 167 से मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था, बाबा साहब का कहना था कृषि और जमीन के राष्ट्रीयकरण और सामूहिक खेती की पक्षधरता की बात उन्होंने की थी। हमारे यहां क्या हो रहा है, हमारे यहां इन कृषि कानूनों को लाकर खेती को कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कराई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कौन लेंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेंगे, जो एग्रो बिजनेस में आने वाली कंपनियां हैं अभी से तैयारी कर रही हैं, झूठे हलफनामे भी कुछ लोग दे रहे हैं कोर्ट में कि नहीं 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 हमारा इरादा ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आज के समाज में लोग उनको खलनायक बना रहे हैं। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि कृषि को राज्य उद्योग का दर्जा दिया जाए, उद्योग का नहीं राज्य उद्योग, और राज्य उद्योग का दर्जा देने की बात जो उन्होंने की थी उसके ठीक उलट है ये कृषि कानून। ये कृषि को पूरे कारपोरेट का गुलाम बनाना चाहते हैं, खेती किसानी किसानों से छीनना चाहते हैं। तीसरी जो बात उन्होंने कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि टेलीविजन चैनलों पर मीडिया में बार बार आप सुनते होंगे, कहते होंगे कृषि सुधार बिल है, ये कृषि सुधार तो होना चाहिए। अरे भाई क्या है सुधार, किस तरह की बात, रिफॉर्म्स का मतलब विनाश है क्या? अंबेडकर ने कहा था कि राज्य, राज्य का मतलब इंडियन स्टेट से उनका मतलब था या सभी स्टेट्स, राज्य अर्जित भूमि को मानक आकार के फार्मों में बांटेगा जनता के बीच, उन्हें गांव के निवासियों के बीच पट्टेदार के तौर पे रखेगा। और अगली बात जो वो कहते हैं कि खेती जो है सामूहिक फार्म के रूप में होगी। और जो आगे वो कहते हैं वो दिलचस्प है, असल रिफॉर्म्स ये है जो इस सरकार ने कभी सोचा भी नहीं, जिसे वो हरगिज कभी नहीं करने देगी। जिस राज्य में भी इनकी सरकारें हैं आज तक कभी इन्होंने काम नहीं किया, डॉक्टर अंबेडकर ने लैंड रिफॉर्म्स की बात की, रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स। उन्होंने कहा कि जमीन का वितरण गांव के, याद रखिए, जमीन का वितरण गांव के निवासियों के बीच जाति पंथ के भेदभाव के बगैर इस प्रकार किया जाएगा कि न कोई फ्यूडल लैंडलॉर्ड रहेगा और न कोई भूमिहीन रहेगा, कोई किसी को बेदखल नहीं कर सकेगा। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी दोस्तों। तो इसीलिए मैं आज कह रहा हूं आपसे कि ये किसान आंदोलन, इसमें गांधी जी दिखाई देते हैं, उनकी चर्चा बहुत चुकी हो चुकी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, और चूंकि अनेक अखबारों में भी, मैगजीन्स में भी, हर जगह बहुत सारे विचारकों ने भी कहा है कि इस आंदोलन में गांधी के सत्याग्रह और उनके अहिंसक रास्ते का एक छवि दिखाई देती है। तो वो बात मैं बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह की बात मैंने बताई आपको कि वो भी इस आंदोलन में दिखाई दे रहे हैं, एकजुटता समता की भावना। और तीसरी बात जो अंबेडकर साहब ने भूमि के बारे में कही थी कि कैसे भूमि किसानों के पास हो, खेत जोतने वाले जो हैं उनको जमीन मिलनी चाहिए, वो भी यहां दिखाई देती है कि लोग एसर्ट कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपनी जमीन पर अपने हक के लिए। और ये सभी बड़े बड़े जमींदार नहीं है, अगर इनकी आप जमीनों की बिल आप अगर आप देखें तो वो बीच के किसान है, छोटे मझोले बीच के किसान है। एक झूठा आरोप लगाया जाता है कि ये बहुत बड़े किसान है, ये अच्छी उपज करने वाले किसान हैं, अच्छी फार्मिंग करने वाले किसान हैं, ये मेहनत करने वाले किसान हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और बिल्कुल चलते चलते कि जो काम किसान आंदोलन के संगठक कर रहे हैं, भारत का कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता। सोने के लिए
इन इन इस भयानक बारिश के दिनों में जब मौसम इतना खराब है, लोग अपनी अपनी बसें जिनके पास हैं, स्कूल वाले बहुत सारे, एसजीपीसी के लोग, गुरुद्वारे, बसों को बकायदे रैन बसेरा बना रहे हैं ताकि किसानों को कोई कष्ट न हो। कमाल की बात है, ये जो हिस्सेदारी है, ये जो भागीदारी है, ये अकल्पनीय है। और भारत की राजनीति को, भारत के समाज को, शेष भारत को इससे सबक लेने की और इससे सीखने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.